हे ब्रोज, वेलकम बैक और सभी का स्वागत है। गाइस, आज तो मैंने कतई कमाल ही कर दिया, मतलब सच में कमाल कर दिया है। अब विश्वास नहीं करोगे, परसों शादी है मेरी और आज मैं सीओसी की वीडियो बना रहा हूँ। बट सीओसी की वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने कमाल नहीं किया। आप पता है मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ इस वक्त? अभी खेतों में, जस्ट लिटरली मेरे घर से थोड़ी डिस्टेंस में, 100-150 मीटर होगा। घर में बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत काम चल रहा है, तो मेरे को लगा कि भाई फ्री टाइम मैं भी फ्री था, तो मेरे को लगा कि भाई गोल्ड पास, सीज़न पास आ चुका है तो परचेज़ करना है। एक वीडियो बन जाता मस्त, क्योंकि ये वीडियो मैं हर सीज़न बनाता हूँ तो इस सीज़न में मिस नहीं करना चाहता। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनेगी, क्योंकि मज़ेदार वीडियो सिर्फ ये कंटेंट नहीं है, मज़ेदार ये है कि भाई मैं किस सिचुएशन में ये वीडियो बना रहा हूँ, खेतों में, जस्ट लिटरली खेतों में। सो वीडियो में बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्या करना है गाइस, ये जो गोल्ड है, ये जो लिक्विड है, इसे थोड़ा इन्वेस्ट करना है। एक फिल्टर फ्री रखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि मेरे को पता था ऐसा होगा, गोल्ड लिक्विड फुल हो जाएगा। और पता है लास्ट सीज़न क्या हुआ, मेरा एक बुक ऑफ स्पेल जो है वो मिस हो गया। यस, मेरे को सीज़न पास में मिला था बट मैंने उसे कलेक्ट ही नहीं किया और सीज़न एंड हो गया, वो लॉस्ट हो गया। कोई बात नहीं, एक और बिल्डर बहुत जल्दी फ्री होने वाला है 3 घंटे में। चलिए अपने काम करते हैं फटाफट, ठीक। बस ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, कभी भी बुलावा आ सकता है, और बहुत ही अब्रप्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाने के लिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्डर फ्री है, मैं अपना गीगा इन्फर्नो को मैक्स करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को चाहिए 1,80,00,000, मतलब 1.8 मिलियन, बहुत ज़्यादा। बट फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा गोल्ड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अपने इस विलेज में आते हैं। गाइस थोड़ी विंड वगैरह की नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसे थोड़ा इग्नोर कर लेना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ओए, तो ये वॉल करते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने एक वॉल, मेरे ख्याल से एक ही वॉल होगा, क्योंकि अगर मैं एक और वॉल करता हूँ तो मेरे को टाउन हॉल करने के लिए एलिक्सिर, सॉरी गोल्ड नहीं बचेगा। और एक करूँगा मैं एलिक्सिर से, एक से ज़्यादा, दो एलिक्सिर से कर लूँगा। ओके फाइन, सो 3 वॉल्स किए हमने। वॉल्स तो भाई मतलब जहर एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। सीज़न पास भी परचेज़ करना है, एंड मैंने अभी तक देखा नहीं है सीज़न पास में क्या क्या है। बुक ऑफ हीरो अर्ली, वाओ नाइस, क्योंकि ये बुक ऑफ अर्ली मेरे को हेल्प करेगा, मैं ग्रैंड वार्डन को मैक्स कर लूँगा। मैक्स नहीं होगा, 49 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 49 फिर 50 भी कर लेंगे जल्दी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हमें सब फटाफट ये जो हमारा वार्डन है इसको अपग्रेड करना है। बट उससे पहले गाइज, गोल्ड पास तो परचेस कर ले, उसके बाद ही तो मिलेगा ना ये सब। मतलब इस बार 2 बुक ऑफ हीरो मिलने वाला है, एक पहले में और एक आखिर में मिलेगा। यस, 2 बुक ऑफ हीरो, मतलब इस सीज़न मेरे ग्रैंड वार्डन जो है वो मैक्स हो जाएगा, बहुत सही। चलिए फटाफट सीज़न पास परचेस करता हूँ एंड करते हैं। ओके ब्रोस, सो प्रो टिप, अगर कोई भी सीज़न पास, गोल्ड पास परचेज़ कर रहा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जाके सपोर्ट ज़रूर करना क्रिएटर। सपोर्ट क्रिएटर के ऑप्शन में जाके इंटर कोड मेरा ADDA, आप स्मॉल कैप्स जो भी दे सकते हो ज़रूर डालना। बट अगर आप मेरा कोड नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, बट किसी ना किसी क्रिएटर का कोड ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें आपका नुकसान कुछ नहीं है। जिस क्रिएटर को आप हेल्प करोगे उसे आपका जो परचेज़ है उसका एक छोटा सा डिस्काउंट नहीं बोलूँगा मैं उसको, एक शेयर मिलेगा, और चैनल को बहुत हेल्प होती है। तो प्लीज़ कोड ज़रूर यूज़ करना, स्क्रीन में भी आपको फ्लैश हो रहा होगा, यूज़ कर लेना बस। ओके सो ब्रोज, वी आर डन विद द गोल्ड पास, हमने परचेज़ कर लिया है, अनलॉक हो चुका है हमारा गोल्ड पास। अब हमें कुछ टास्क कंप्लीट करके फटाफट बुक ऑफ हीरोज़ कलेक्ट करना है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं चाहता हूँ कि अपना ग्रैंड वार्डन जो है वो 49 कर लूँ। ओ माई गॉड, 1,60,000, इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा था। ओके, मेरे को पता है अभी मेरा पर्क जो है वो लॉक नहीं है, पर्क्स जो है वो अनलॉक होने के बाद इसका जो प्राइस है वो कम होगा, तो अभी हम नहीं करेंगे, उसका प्राइस कम होने का वेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पर्क्स को अनलॉक करेंगे, बुक ऑफ हीरो हम आराम से कलेक्ट करके रख लेंगे। तब तक मैं ये कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा लूट था। अब क्या करेंगे हम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। मैं एक अटैक तो डेफिनेटली करना है, और अपने गीगा इन्फर्नो को भी अपग्रेड करना है। पहले अटैक करूँगा तो गोल्ड वेस्ट होगा, क्या करूं यार, बहुत ही कंफ्यूजन है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं एक वॉल अपग्रेड कर देता हूं तो मेरे पास इतना बचेगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले गीगा इन्फर्नो अपग्रेड पर लगाते हैं, और 3 घंटे में मेरा एक बिल्डर फ्री हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है, 3 घंटा, उसके बाद 3 दिन, तो 3 घंटे बाद जो बिल्डर फ्री होगा उसको हम रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट अटैक करते हैं सबसे पहले, तो चलता हूँ अटैक पे। बट मेरे को पता है मेरे को एक अच्छा बेस मिलने में टाइम लगता है, खास करके जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मैं एक मस्त सा पहले बेस लाता हूँ, ठीक है, उसके बाद अटैक करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट आएंगे। ओके सो ब्रोज, मैं काफ़ी सर्च कर रहा था, कुछ खास बेस नहीं मिला मेरे को, ये वाला बेस तो मेरे को लग रहा है कि ठीक ही है। यस, इतना भी ज़्यादा लूट नहीं है, बट मेरे को काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर तक मैं सर्च करता रहा, कुछ खास बेस मेरे को मिला नहीं है। चलिए यहाँ पर ड्रॉप करते हैं अपने हीलर्स, एक एयर डिफेंस है सामने, तो ये एयर डिफेंस को क्वीन निकाल दे तो बहुत सही हो जाएगा। एक बेबी ड्रैगन मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ,
ओके सो आप बेबी ड्रैगन ड्रॉप करते हैं क्योंकि एयर डिफेंस ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा बेबी ड्रैगन को. नाइस. क्वीन जाएगी राइट को वॉल ब्रेक करके अंडर डालूंगा. वैसे भी बहुत ही वीक बेस है अकॉर्डिंग टू माई ट्रूप्स. मेरे ट्रूप्स इस बेस के हिसाब से बहुत ओपी है तो आराम से इस बेस को हम क्लियर करेंगे. अभी तो मेरे सारे हीरोज़ भी अवेलेबल है. ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे किंग को वॉल ब्रेक. मेरे को लगता है क्वीन काफ़ी टाइम लेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है क्वीन. वेट करता हूँ थोड़ा. यहाँ पे वॉल ब्रेक ड्रॉप करते हैं. नाइस. कुछ बिल्डिंग स्नाइप करने से अच्छा होता. चलो कोई नहीं, क्वीन फंस गई है, फंस चुकी है क्वीन हमारी. पता नहीं किस साइड जाएगी. वॉल ब्रेक कर रही है क्वीन विच इज़ हॉरिबल. कोई नहीं. यहाँ पे ड्रॉप करते हैं रॉयल चैम्पियन को और मेरे ख्याल से माइनर्स को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं. लेट्स सी. ओके सो माइनर्स हमने ड्रॉप कर दिए इस साइड को और पीछे जाएगा हमारा ग्रैंड वार्डन. ऑसम. ओके क्वीन की हेल्थ इतनी कम कैसे हो गई? किसने मारा क्वीन को इतना? कहाँ से क्वीन को इतनी मार पड़ी? आई हैव नो आइडिया. ओके सो रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी पॉप अप करते हैं यहाँ पे. सिंगल इन्फर्नो टार विच इज़ हॉरिबल. ग्रैंड वार्डन एबिलिटी चलो पॉपअप कर ही देते हैं. वैसे मैं करना नहीं चाह रहा था बट चलो कर ही देते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे एक हील आई गेस की एक रेज करता हूँ यहाँ पे. नाइस. फ्रीज करते हैं इस चीज़ को, हील करते हैं यहाँ और यहाँ. मतलब स्वैग कर रहा हूँ यार, आपको ही पता है. वॉल ब्रेक करते हैं यहाँ पे. सारे ड्रॉप कर दिया मैंने रैंडमली. यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने अपना एक इकलौता आर्चर एंड दैट्स इट. एक पॉइजन है जो कि रह जाएगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा. सो काफ़ी अच्छा रहा अटैक. और गाइज काफ़ी विंड आ रहा है तो प्लीज़ इस विंड के जो साउंड्स हैं उनको इग्नोर करना. मेरे को पता है कि अब क्या बोलूँ मैं, छोड़ दो. बट प्लीज़ यार इग्नोर करना, ठीक है? ओके सो अटैक काफ़ी सही गया एंड करने लायक तो कुछ है नहीं क्योंकि बिल्डर भी हमने बिजी करवा दिया है. बट सोच रहा हूँ कि एक और अटैक करता हूँ. क्या बोलते हो आप लोग, एक और अटैक करूँ या ना करूँ? और वैसे गाइज आपको एक अटैक दिखाना था मेरे को. लास्ट एक वॉर खेल रहे थे हम लोग, हार गए वॉर. बट एक अटैक था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. कौन सा था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है. एक मिनट. कौन सा था मेरे भाई, कौन सा था? ये रहा नंबर 9 वाला में. ओके सो नंबर 9 वाला ये बेस था और काफ़ी एक अच्छा बेस था. यहाँ पे मैंने टाउन हॉल 11 वाला भी एक ट्रिपल निकाला था तो ये मेरे को लगता है कि आपसे शेयर करने लायक है. ये बेस भी काफ़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने एंटी 2-स्टार बेस क्योंकि टाउन हॉल ऐसे जगह में रखा है वॉल रखकर लोग यूज़ नहीं कर पाते. बट ये क्वीन वॉक बोविच से मैंने काफ़ी इजीली इस बेस को 3-स्टार किया. थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड नहीं थोड़ा सा. हाँ तो यहाँ पे पहले इनिशियल फनल क्रिएट किया यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन से. वॉर वैसे अच्छा किया. प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ एक ही टाउन हॉल 13 अवेलेबल था हमारे से. मेरे ख्याल से अगर एक और टाउन हॉल 13 अवेलेबल होता तो ईजी वॉर होता हमारे लिए. बट चलो यार क्या कर सकते हैं, मैंने गलती की क्योंकि मेरा एक और अकाउंट भी था गॉड जो मेरा दोस्त का अकाउंट है. वो मैंने लिया नहीं वॉर में, पता नहीं क्यों मेरी मत मार गई थी कि मैंने वॉर में नहीं लिया. अगर लेता तो मेरे पास 4 टाउन हॉल 13 के अटैक्स होते और मैं शायद कुछ कर पाता. बट कोई बात नहीं, ये अटैक काफ़ी सही गया था गाइज, आप देख सकते हो. एंड मतलब ये अटैक मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बेस एकदम मैक्स है और ये है, बट ये वाला बेस बहुत कॉमन है. तो ये इस बेस में इस साइड से अगर आप एंट्री लेते हो क्योंकि आप देख सकते हो एंड अटैक के एंड में काफ़ी सारे ट्रूप्स बचे हुए थे, बहुत सारे. और पाथिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, फनल बहुत अच्छा हुआ था और काफ़ी लास्ट में तो बोल सकते हो बहुत ही ईजी इस बेस को हमने 3-स्टार किया. बट एक मोमेंट था जब ये मल्टी इन्फर्नो को सारे ट्रूप्स ने इग्नोर मार दिया था. मैं थोड़ा डर रहा था कि भाई मल्टी इन्फर्नो को कौन अटैक करेगा. बट फाइनली विच लकीली कि उसके लास्ट अटैक ने, लास्ट स्मैश ने, लास्ट स्लैप ने इस इन्फर्नो को निकाला और ये बेस को 3-स्टार किया. सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में इतना ही. मैं सोच रहा था एक और अटैक करूँ बट एक और अटैक करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा. बिल्डर फ्री नहीं है और डार्क भी मेरा वेस्ट हो रहा है. डार्क ट्रूप से अटैक करता हूँ, ये एक अच्छी आइडिया होगी शायद से. तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही. तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि अब बस 2 दिन बचे हैं. 2 दिन बाद भाई पता नहीं क्या होगा, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है. और बस अपने गुड विशेस डाल देना कमेंट्स में एंड लाइक कर देना आपको वीडियो पसंद आई है तो. और लाइक एम 4000 है, मेरे को नहीं पता कि पूरी होगी या नहीं होगी. अगर कर देते तो अच्छा है. और क्रिएटर कोड यूज़ करना मत भूलना गाइज. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना. एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय.